हे फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन। जैसा कि हमने कहा था, नाश्ता मूर्थल में और लंच हिमाचल में करेंगे, तो हम पहुंच ही गए हिमाचल। एंड हिमाचल में एंट्री करते ही द नियर बाय बेस्ट प्लेस टू ईट सर्च करने पे पता चला द गुलमोहर ग्रैंड के बारे में। सो वी थॉट टू गो देयर एंड हैड आर लंच। द गुलमोहर ग्रैंड देखने पर लगा कि यहाँ पे नो डाउट लंच तो महंगा पड़ेगा ही हमें, बट वी वर टोटली रॉन्ग। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड फाइंड आउट व्हाट वी हैड इन आवर लंच। सो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं द गुलमोहर ग्रैंड, जो कि ऊना के जस्ट बाद रास्ते में है। And in that it's actually a food court kind of a area. और गुलमोहर ग्रैंड शादी के ओकेशंस के लिए ज़्यादा आई थिंक यूज़ होता है। And we are sitting in a green chili restaurant. And the good thing happened there is I ordered a गुलमोहर special thali, which looked like it's a quite a heavy thali, but at the same time I felt कि चलो उसके साथ कुछ और भी order किया जाए। तो उसके साथ हमने सोचा कि वेज नूडल्स ऑर्डर करें, बट यहाँ के जो सर्वर हैं उन्होंने बोला कि सर आप पहले थाली खा लीजिए, एंड इफ़ यू विल फील लाइक कि हाँ आपको अभी भी कुछ है गुंजाइश देन आप ऑर्डर करिएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आई नेवर सीन एनीबडी सेइंग समथिंग लाइक दैट कि अगर आपको लगे तो ऑर्डर कर लीजिएगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे पोर्शन के बारे में तो कोई आइडिया नहीं था, बट आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन दैट वन। अब देखते हैं कि थाली कैसी होती है। डेफिनेटली आई विल शो यू एज वेल कि यहाँ की थाली कैसी है। एम्बियंस यहाँ का इट्स गुड, इट्स नॉट दैट फैंसी, बट इट्स स्टिल डिसेंट एंड वेरी नाइस एम्बियंस इफ यू लाइक टू सी। सो विद दैट अब खाने का इंतजार चल रहा है, देखते हैं कि खाना कितनी देर में आता है। As you can see, the thali is really big. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। I just showed you the video, but ये तो मेरे ख्याल से पूजा और मेरे लिए it's more than enough। अब मुझे तो लगता है कि इसको खाने के बाद हम लोगों को एक वेज नूडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। So I think we shall start now and so अभी हमने खाना खा लिया है। थाली was really great, but उससे ज़्यादा कि मैं कुछ बोलूँ this time Pooja will give you the review and I will just drive because we are getting late. We have 129 kilometers more to cover, which is gonna take 3.5 hours approximately. So chalte hain. Thali kuch zyada hi badi thi, itni badi thi ki pet kuch zyada hi bhar gaya. Ab meetha bhi zabardasti mujhe khilaya gaya. Halanki gulab jamun inka bahut zyada favorite hai, but wo bhi maine khatam kiya. Raita sabse best laga poore thali mein mujhe. दाल मखनी अच्छी थी, दाल नॉर्मल अच्छी थी एंड एवरीथिंग वाज प्रॉपर कि मज़ा आ गया खाके। सो पूजा का ये छोटा सा रिव्यू के बाद अब हम लोग रोड पे वापस निकल चुके हैं। आई बिलीव कि शाम को हो ही जाएगी, आराम से पहुँचते पहुँचते आई थिंक 7 बज जाएंगे। But now we just have to look for a very decent and reasonable hotel for us. और फिर वहाँ पर जाकर ही अब बात करेंगे, क्योंकि now I have to drive fast and let's see how fast we can cover this 120.